बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जिनेंद्र। मैं हूं अनामिका जय नंबर, स्वागत करती हूं आप सभी का हिंदुस्तान के नंबर वन न्यूज चैनल जी न्यूज पर चल रहे आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है कवि युद्ध। आजादी जो हमें 1947 में मिली, वो आजादी जिसके लिए हम कुछ नाम लेते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और न जाने कितने सारे ऐसे ऐसे राष्ट्रभक्त जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने इस देश के लिए जान क्यों दी? क्यों? गांधी जी अहिंसा का शस्त्र लेकर के अंग्रेजों के पास उनसे लोहा लेने चल दिए। क्यों इन लोगों ने ये सब किया? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की? शायद नहीं। और आज हम अपनी वाणी से, प्रस्तुति से आप सबको ये बताएंगे कि इसका महत्व क्या है। हम लोग आजाद तो हैं, हम लोग आजादी के पर्व तो मनाते हैं, लेकिन कहीं उसके महत्व को थोड़ा बहुत यदि कम जानते हैं। तो हमारे कवि इस महत्व को और अच्छे से आप तक पहुंचाने के लिए अपनी कविताएं लेकर के आए हैं। आज हम जानेंगे कि वो आजादी जिसके चलते हम चैन से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इस प्रकार के आयोजनों में एकत्रित होते हैं, जिस प्रकार के आयोजन में आज हम यहां पर एकत्रित हैं, वो आजादी जिसके कारण हम त्योहारों को जीते हैं, रिश्तों को जीते हैं, संस्कारों को जीते हैं, उस आजादी के महत्व के लिए आज ये कवि युद्ध रचा गया है। हमारे बीच मिर्जापुर से विभा सिंह यहां पर उपस्थित हैं, ग्वालियर से, एमपी से हमारे बीच रविंद्र रवि जी यहां पर उपस्थित हैं, और यूपी से, बड़ौद से हमारे बीच हिमांशु अग्रवाल जी यहां पर उपस्थित हैं, और साथ ही आपके बीच कई बार आ चुके आपके जाने पहचाने और पसंदीदा चेहरे जिनका नाम होता है अजय अंजाम जी हमारे बीच औरैया से उपस्थित है। मेरा मन है एक बार जोरदार तालियां इन कवियों के लिए हो। हम सब यहां पर आजादी का पर्व मनाने आए हैं, और इस बार तो आजादी के रंग ही कुछ अलग हैं। उस आजादी को जीने के लिए, उस आजादी को मनाने के लिए जब एक जवान शहादत को प्राप्त होता है, तो देखिए पूरा मुल्क, पूरा देश, पूरी कायनात किस प्रकार से उसके शहादत को सम्मान देती है। मैं जानती हूं हर उम्र के श्रोता मुझे इस समय सुन रहे होंगे, लेकिन देश से बढ़कर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा और हम सब जानते भी हैं कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब देश की बात होती है तब सब कुछ भूल जाया करते हैं। एक घर में एक सर कटा हुआ धड़ रखा है, उसकी नई नवेली दुल्हन उस धड़ को देख करके रोने लग जाती है। पिछले दिनों जब हमारी सीमा पर सर कटे हुए धड़ आए तो लोगों की आंखें नम हो गई, दिल सहम गए। ऐसे में जब एक नई नवेली दुल्हन उस धड़ को देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। देखिए किस प्रकार उसका घर, उसका परिवार, उसका मोहल्ला, उसका मुल्क और ये पूरी कायनात उसके शहादत को सम्मान देती है। उसकी बहन आती है और अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है, और भाभी को ढाढ़स बंधाकर भाभी से कहती है, हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी के एक छंद से मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहती हूँ कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। वो अपने भाई की शहादत के लिए अपनी भाभी को क्या कहती है, सुनिएगा। कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी, भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, कि भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल, जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। जिस मुल्क में इस प्रकार की राष्ट्रभक्ति की जाती हो, मुझे गर्व है कि हम उस भारत देश से हैं, हम उस हिंदुस्तान से हैं, और बहुत गर्व है, बहुत धन्यवाद करती हूँ जी न्यूज का, कवि युद्ध का, कि उन्होंने इस प्रकार के विषय को, जो सीधे हमारे दिल में घर करते हैं, इस विषय को
को चुना। आइए इस विषय पे सबसे पहले काव्य पाठ के लिए मैं जिन्हें आमंत्रण देने जा रही हूँ वो औरैया से हैं, आपके बीच कई बार आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं तो अजय अंजाम जी आपके बीच अपने काव्य पाठ को लेकर के आए। बहुत सभी को एक बार स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं जी न्यूज के इस चैनल के जरिए। आइए शुरू करता हूं। देश चाहता क्या है, देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ, देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे, कर्म से अखंड और धर्म से प्रचंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे, कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वहशियों को काली का कराल लगने लगे, और ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे, ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। और क्या चाहता है ये देश, हम कुनबों में बट रहे हैं, हम फिक्रों में बट रहे हैं, हम संप्रदायों में बट रहे हैं, तब ये देश क्या मांगता है। आज जय चंद नहीं कोई फेर फंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश, शेर सरदारों के घरों से भी सुनो जी आज, अच्छा। बेटा भगत सिंह सा ललाम मांगता है देश, जात के लिए भी नहीं पांत के लिए भी नहीं, देश के लिए ही बस काम मांगता है देश, और एक नाम बोलता हूँ और सलाम चाहता हूँ मोमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है देश, एक है। नाम बोलता हूँ, एक बार बोलिए भारत माता की। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने क्रम को यहाँ पर आप तक पहुँचाऊँ और कुछ बातें जो मैं लेकर के आई हूँ और आजादी का मतलब क्या है वो आप तक पहुँचाऊँ, तो एक बार आपकी तालियां मेरे लिए आमंत्रण बने, मैं आती हूँ और अपनी बात आप तक पहुँचाती हूँ। बात आई आजादी का मतलब क्या है, मैं कुछ पंक्तियों से आपके बीच ये बात बताने की कोशिश करती हूँ, सुने कि एहसासों की फटी चुनरिया सत्कर्मों से सीना है, एहसासों की फटी चुनरिया सत्कर्मों से सीना है, अमृत हो या घोर हलालल हंसकर हमको पीना है, अधिकारों की हाला हमको उन्मादी कर देती पर आजादी का मतलब अंबर अनुशासन में जीना है, आजादी का मतलब अंबर अनुशासन में जीना है, आजादी का मतलब। और चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, एक प्रश्न जगाती हूँ और फिर उसका उत्तर देती हूँ, सुने कि विश्व गुरु विश्वेश बनाना किसकी जिम्मेदारी है, यह सुंदर परिवेश बनाना किसकी जिम्मेदारी है, आजादी के दीवानों ने जिसका सपना देखा था, आजादी के दीवानों ने जिसका सपना देखा था, वह सपनों का देश बनाना किसकी जिम्मेदारी है, वह सपनों का देश बनाना किसकी जिम्मेदारी है। बताती हूँ अब ये प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर, सुने कि दुश्मन की आंखों में चुभती अंबर धरा हमारी है, हम में से ही कोई वो राष्ट्रभक्त भगत सिंह निकलता है और जो रंग दे बसंती चोला आपके बीच दिखाता है, हम में से ही वो आदरणीय मोदी जी हैं जिन्होंने इस पूरे देश का सर ऊंचा कर दिया, वो ऐतिहासिक काम कर दिया जिसको हम खुशी के साथ मना रहे हैं, तब हम ही हैं वो जो सब कुछ कर सकते हैं, ये धरा हमारी है, तब कहती हूँ। आपकी तालियां तैयार रहे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने कि दुश्मन की आंखों में चुभती अंबर धरा हमारी है और हमारे स्वाभिमान पर उसका हमला जारी है, जान लुटा कर जो वीरों ने नाम हमारे की थी उस आजादी को कायम रखना अपनी जिम्मेदारी है, आजादी को कायम रखना अपनी जिम्मेदारी है। एक दृश्य आपके बीच रखती हूँ और वो गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, जिस गीत को मैं सुनाते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ, वो गीत आप तक पहुंच जाए, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक पत्नी ने अपने पति को पत्र लिखा, वो पति जो सीमा पर तैनात है, और उसको पत्र लिखकर ये पूछा कि आप कब आएंगे, ये बहुत कॉमन बात है, ये बहुत नॉर्मल बात है, आपने कई बार सुना होगा, जाना होगा। बात तो वो है, वो जवान जो शहीद हो जाता है वो
जाने से पहले अपनी पत्नी को क्या उत्तर देता है वो उत्तर मैं आपके बीच पढ़ती हूँ कि दाग के दुश्मन की छाती को, दाग के दुश्मन की छाती को जला के फिर बुझती बाती को, इस वर्दी का फर्ज निभाकर जीत का फिर परचम लहराकर, भारत माँ का शौर्य तिरंगा घाटी पर लहराऊंगा, राह देखना मेरी मैं जल्दी घर वापस आऊंगा, राह देखना मेरी मैं जल्दी घर वापस आऊंगा। घर में वो पूछती है, मैं सब पूछ रहे हैं मैं उन्हें क्या जवाब दूं, तब कहता है माँ से कहना मैं ही उनकी आंखें हूँ, कहो पिता से उनके दिल की पांखें हूँ, बेटे से कहना पापा हैं व्यस्त जरा, बिन मेरे रहने को हो अभ्यस्त जरा, मेरे पैरों से चलना है, बेटे तक संदेश पहुंचाता है कि मेरे पैरों से चलना है, मुझसे भी आगे बढ़ना है, मेरे पैरों से चलना है, मुझसे भी आगे बढ़ना है, मैं हूँ घर की दीवारों में, मैं हूँ घर की दीवारों में, कमरों में हूँ चौबारों में, मैं हूँ घर की दीवारों में, कमरों में हूँ चौबारों में, और तुमसे कहना है तुमको सांसों में मिल जाऊंगा, राह देखना मेरी मैं जल्दी घर वापस आऊंगा, राह देखना मेरी मैं जल्दी घर वापस आऊंगा, राह देखना मेरी मैं जल्दी घर वापस आऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आज हम उन सब को याद कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि कहीं होठों पर जीत की और स्वाभिमान की मुस्कान हो, लेकिन वो नम आंखों से आज दब जाएगी, मैं ये जानती हूँ। आप सबकी नम आंखें और आपकी आप सबकी संवेदनाएं इस बात का सूचक है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आपके बीच एक नाम लेती हूँ कि छूटी राखी बहन की माँ से हो गया दूर, छूटी राखी बहन की माँ से हो गया दूर, वंदे मातरम लिख गया सीमा पर सिंदूर, वंदे मातरम लिख गया सीमा पर सिंदूर। वो नारियां जो खुद देश के लिए कुछ करती हैं, मेरा मन है मैं एक और नारी को यहाँ पर आवाज दूं जो मिर्जापुर से चल करके आती है और जिनका नाम विभा सिंह होता है। एक बार जोरदार तालियां हो। सबसे पहले इस आजादी के महापर्व पे आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, बड़ी बहन अनामिका अंबर जी को भी प्रणाम करती हूँ, और मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। आप सब जहाँ भी लगे उचित मुझे तालियां जरूर देते रहिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। देश के गुमानो स्वाभिमानों को नमन है, सूर्य मेरे साहसी जवानों को नमन है, देश के गुमानो स्वाभिमानों को नमन है, देश के गुमानो स्वाभिमानों को नमन है। संकट का बादल जब भी भारत पे छाते हैं, भारत का कोई लाल सूर्य बन जाते हैं, काले नेमी सूर्य साहू का जो दंभ चूर करे, ऐसे गदाधारी हनुमानों को नमन है, ऐसे गदाधारी हनुमानों को नमन है, देश के गुमानों स्वाभिमानों को नमन है। रक्षक बन के दूसरों का जीवन जो बचाते हैं, दूसरों की खातिर अपनी जान को लड़ाते हैं, दूसरों की खातिर अपनी जान को लड़ाते हैं, मानव सेवा देश सेवा जिनका परम धर्म, ऐसे व्रतधारी आयुष्मानों को नमन है, ऐसे व्रतधारी आयुष्मानों को नमन है, देश के गुमानों स्वाभिमानों को नमन है, देश के गुमानों स्वाभिमानों को नमन है। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बेटियों को डूबने से जिन्होंने बचाया है, आदर में उनके सारा देश सिर झुकाया है, भारत के ऐसे क्रांति धर्मवीर सैनिकों के, विभा कोटि स्वर्णिम योगदानों को नमन है, विभा कोटि स्वर्णिम योगदानों को नमन है, देश के गुमानों स्वाभिमानों को नमन है, देश के गुमानों स्वाभिमानों को नमन है, देश के गुमानों स्वाभिमानों को नमन। बहुत शानदार, वाह 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 वाह। स्वाभिमान को उन्होंने नमन किया। आइए इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। आजादी का मतलब क्या है ये हमें तो जानना जरूरी है, साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जानना बहुत जरूरी है। और यदि कोई दुश्मन इस देश को
आंख उठाकर देखे तो उसकी आंख को कैसे नीचे करना हो ये भी हमें सीखना जरूरी है। तो आइए यही बात सिखाने के लिए और अपनी कविताओं से बताने के लिए हमारे बीच बड़ौद से चल करके जो कवि आते हैं उनका नाम होता है हिमांशु अग्रवाल। एक बार जोरदार तालियां हो हिमांशु अग्रवाल जी आपके बीच। कृषि भूमि और जैन नगरी बड़ौद की ओर से मैं हिमांशु अग्रवाल आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का जो विषय है हमारा स्वतंत्रता दिवस का जो महत्व हम लोग नहीं जानते हैं उसके विषय में मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। जिस आजादी का हम आनंद उठा रहे, जिस आजादी का हम आनंद उठा रहे, वो आजादी मिली है हमें बड़े बलिदान से। वाह। जिस आजादी का हम आनंद उठा रहे, वो आजादी मिली है हमें बड़े बलिदान से। मौत को गले लगाया ऐसा है आधार दिया, मौत को गले लगाया ऐसा है आधार दिया। माता भारती रहेगी जहां बड़ी शान से, माता भारती रहेगी जहां बड़ी शान से। ऐसे महापुरुषों का ऋणी है ये देश सदा, ऐसे महापुरुषों का ऋणी है ये देश सदा। हमें खुली सांसें देके खुद गए जान से, पिंजरे से मुक्त कर खुला नभ दिया हमें, पिंजरे से मुक्त कर खुला नभ दिया हमें। उनका जयकारा तो लगाओ बड़ी शान से, क्या बात है। उनका जयकारा तो लगाओ बड़ी शान से, शानदार। उनका जयकारा तो लगाओ बड़ी शान अच्छा से। है मांशु, हम लोगों ने आजादी पा ली लेकिन आजादी के महत्व से हम दूर हटते चले गए, तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। 70-72 वर्षों से हैं आजाद हम, इस आजादी का पर मोल ना चुकाया है। भगत वो अशफाक राजगुरु सुखदेव, बापू के सपन को ना पूरा ही निभाया है। भ्रष्टाचार से हो मुक्त स्वच्छ ही हो देश जहां, नारी की सुरक्षा का क्या बीड़ा भी उठाया है। उनका बलिदान आज आंसू रो रहा है, उनका तो बलिदान आज आंसू रो रहा है। निज स्वार्थ में तो हमने देश को भुलाया है, निज स्वार्थ में तो हमने देश को भुलाया है, निज स्वार्थ में तो हमने देश को भुलाया है। अब भी जो जागे नहीं हम इस देश में तो, अब भी जो जागे नहीं हम इस देश में तो, एक बार पीछे फिर देश ये हो जाएगा। मोदी जी अकेले ही क्या कर पाएंगे ये बोलो, स्वयं बदलेंगे तो ही देश बढ़ पाएगा। भारत का उत्थान में जो नित्य गतिमान हो, भारत के उत्थान में नित्य गतिमान हो, उन्नति के शीर्ष पर देश चढ़ पाएगा। केवल तिरंगा फहराने लहराने से क्या, केवल तिरंगा फहराने लहराने से क्या, उनकी शहादतों का कर्ज चुक पाएगा। सही उनकी बात है। बहुत बढ़िया। कर्ज चुक पाएगा अच्छा है, उनकी शहादतों का कर्ज चुक पाएगा। क्या बात है। और मोदी जी जो सपना देख रहे हैं हमारे उज्जवल भारत के लिए, मैं उस विषय में चार पंक्ति और निवेदित करता हूँ, सुनेगा। रोटी कपड़ा वे छत तीनों मिले सबको ही, श्री मोदी जी ने ऐसा सपना सजाया है। सबके सरों पे एक छत का तो साया रहे, भूख से मरे ना कोई भाव ये बनाया है। गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने से आज मोदी जी ने गली गली गांव ही सवारा है। आजादी महत्व की जो आन बान शान रखे, ऐसे प्रिय मोदी जी को नमन हमारा है, ऐसे प्रिय मोदी जी को नमन हमारा है। बहुत शानदार बात कही हिमांशु बड़ौद जी ने। पंक्तियां याद आती है, आजादी के महत्व को तो हम यहाँ पर सुनने और सुनाने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से ही गद्दार होते हैं। मैं कहती हूँ क्या उन्हें आजादी के महत्व का नहीं पता? यदि उन्हें आजादी के महत्व का नहीं पता तो मैं चार पंक्तियां आप सबकी तरफ से उन्हें पहुंचाती हूँ और रविंद्र रवि जी को यहाँ पर आमंत्रण देती हूँ कि पराए मुल्क का तू अपने घर जाए तो अच्छा है, पराए मुल्क का तू अपने घर जाए तो अच्छा है, जरूरत ही नहीं तेरी सुधर जाए तो अच्छा है। वो एक बेटा रुलाता है जो माँ को खून के आंसू, जन्म लेने से पहले ही वो मर जाए तो अच्छा है, जन्म लेने से पहले ही वो मर जाए तो अच्छा है। आइए इसी तेवर की उम्मीद के साथ मैं जिन्हें आमंत्रण देती हूँ उनका नाम होता है रविंद्र रवि जी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को आजादी के इस पवित्र पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नमन करना चाहता हूं उन महान शहीदों के
को जिनके कारण आज हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। वतन तेरी हिफाजत में जो सुबह हो शाम कर बैठे, जो मुस्तैदी से हाथों में तिरंगा थाम कर बैठे, झुकाता हूं मैं अपना शीश उन वीरों के चरणों में जो अपना जान तन अपने वतन के नाम कर बैठे, जो अपना जान तन अपने वतन के नाम कर बैठे। और चार पंक्तियां और उन महान शहीदों को कि कहीं बिस्मिल कहीं अशफाक उल्ला खान की फसलें, यहाँ पर लहलहाती हैं सदा बलिदान की फसलें, तिरंगा हाथ में लेकर के मुस्तैदी से सरहद पर खड़ी हैं आज भी भारत तेरे खलियान की फसलें, खड़ी हैं आज भी भारत तेरे खलियान की फसलें। दोस्तों एक प्रतिगीत रखना चाहता हूँ इस आजादी के माहौल में, देखिएगा। मिलने को तो 47 में मिली हमें आजादी, कुछ लोगों ने आजादी की मिलकर वाट लगा दी। डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डंग, मफलर बाबा राजधानी में कुर्सी घेरे बैठे और जनता के अरमानों पर झाड़ू फेरे बैठे। पहले वे धरने देते थे डिंग टांग डिंग टांग डिंग टांग डिंग टांग, पहले वे धरने देते थे अब कुर्सी के आदि, कुछ लोगों ने आजादी की मिलकर वाट लगा दी। डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डंग। आगे सुने, खूब राबड़ी गटक रहे थे निकले कितने चालू, पशुओं का चारा खा बैठे और नदियों का बालू, खुद को जेल हुई तो कुर्सी पत्नी को दिलवा दी, कुछ लोगों ने आजादी की मिलकर वाट लगा दी। डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डंग, लाल टमाटर से नेताजी हम पतरे तो रही से, बोलो घर में आजादी का पर्व मने फिर कैसे, हालत पतली और हो गई जब से हो गई शादी, श्रीमती ने परचूनी की पर्ची एक थमा दी। डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डांग। और अंतिम मस्ती का बंद सुनिएगा, स्वागत है कि वाह रे चौकीदार राष्ट्र में ऐसी अलख जगा दी, वाह रे चौकीदार राष्ट्र में ऐसी अलख जगा दी, कितने सालों बाद हंसी है कश्मीर की वादी, क्या बात है, कितने सालों बाद हंसी है कश्मीर की वादी, बाबा बर्फानी की माटी मंद मंद मुस्का दी, बाबा बर्फानी की माटी मंद मंद मुस्का दी, केसर की क्यारी में आई अब सच्ची आजादी। डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डंग। बोलो भारत माता की जय। क्या बात है, बहुत खूब। आइए हम सुनते हैं कि अजय अंजाम जी क्या कहते हैं। जब तक वो यहाँ पर आए तब तक आप ताली बजाकर उन्हें बुलाते रहें और आजादी के महत्व को जानने के लिए अपनी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अजय अंजाम जी क्या कहते हैं सुनाए। वहां से इमरान खान बार बार बोल रहे हैं कि हम भारत में ये कर देंगे, कश्मीर में वो कर देंगे, पीओके में वो कर देंगे। अब देखिए हिंदुस्तान क्या कहता है, सुनिए। सीधा सीधा मुखातिब हूं इमरान खान से। अच्छा। तेरा तो भूगोल कई बार हम बदल चुके हैं, अब की गए तो इतिहास फाड़ आएंगे। क्या बात है। तेरा तो भूगोल कई बार हम बदल चुके हैं, अब की गए तो इतिहास फाड़ आएंगे, घुस के कराची से भी आगे तक दो घड़ी में तेरे सिर पे चढ़ा गुमान झाड़ आएंगे। क्या बात है। शीश काटे तूने है शहीद सैनिकों के, हम
जीते जी ही तेरा चेहरा बिगाड़ आएंगे, और अब की घुसे तो फिर एक दो शहर नहीं पूरे पाकिस्तान में तिरंगे गाड़ आएंगे। अब की घुसे तो फिर एक दो शहर नहीं। और कुछ लोग बोले हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे इस देश में, खतरा उनसे ज्यादा है, बाहर से तो हम कभी भी लड़के जीत सकते हैं। सुनिएगा, सही बात है, गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी, आपकी खुददारी की परीक्षा लेता हूं, साथ देना चौथी पंक्ति पे, गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी, आखिर कब तक देशभक्त की बाजी हारी जाएगी, और भारत में रहकर भी जिंदाबाद पाक की बोली तो साफ समझ लो चौराहे पर गोली मारी जाएगी। क्या ये खुददार लोग बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जंग नहीं जीती जाती है इन अखबारी नारों से, ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से, और बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत लें जब चाहें, हम तो बाजी हार रहे हैं भीतर के गद्दारों से, हम तो बाजी हार रहे हैं, हम तो बाजी हार रहे हैं भीतर के गद्दारों से। क्या इस देश का सैनिक चाहता है? किसी नेता ने कहा कि किसी भी सैनिक या शहीद को सम्मान देने की क्या जरूरत है, वो तो वेतन के लिए सेना में जाते हैं। मैंने कहा मंत्री जी आपका व्याकरण गलत है, एक एक ही मात्रा की आप चूक कर गए, किसी भी डिपार्टमेंट में वेतन के लिए लोग जा सकते हैं, लेकिन सेना में काम करने वाले वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करने जाते हैं। तब उनको सलाम करता हूं। क्या चाहता है सैनिक? कि चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए, सिर्फ इतना सा मेरा ख्वाब है मेरे मौला, मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए। और सैनिक की जिंदगी आखिरी चार पंक्तियां, नामिका जी सुनिएगा, जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला, और रक्त की बूंद बूंद पर बस बलिदान लिखा निकला, अरे जिस्म हटाकर जब शहीद का देखा हमने पर्वत की श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान लिखा निकला, श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान लिखा निकला। वंदे मातरम कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, एक सुन ली ये चार पंक्तियां बहुत छोटे बहर की हैं, कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा, कारतूस का छर्रा छर्रा वंदे मातरम बोलेगा, जिस दिन भारत माँ के बेटे अपनी पर आ जाएंगे, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा वंदे मातरम। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही, और आजादी का कहीं यही मतलब है कि हम ये समझ जाएं कि जो गद्दार हैं उन्हें बाहर का रास्ता कैसे दिखाना है। लेकिन यहाँ पर मुझे जिस कवि को आवाज लगानी है, मेरा मन है रविंद्र रवि जी आपके बीच आए और अपना काव्य पाठ आप तक पहुंचाएं। आइए दोस्तों, नमन करते हैं देश के महान शहीदों को जिनकी वजह से हमको ये आजादी मिली, कि त्याग बलिदान देश सेवा का संदेशा देती, तीन रंगों वाली उस ओढ़नी को ओढ़ा है, आन बान देश का गुमान याद रखा सदा, वीरों की कहानियों में पृष्ठ नया जोड़ा है, तो झांसी वाली रानी वाला यानी कुर्बानी वाला शहीदों का श्रेष्ठ संविधान नहीं तोड़ा है, और जीते जी निभाया देश भक्ति की परंपरा को, मर के भी हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा है, मर के भी हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा है। और चार पंक्तियां उन महान शहीदों के लिए, साहब क्या चाहता है एक सैनिक, बिनती है विदाता से मेरी हाथ जोड़ कर, जाऊं न कहीं मुल्क तेरी खाक छोड़ कर, इस देह से जिस रोज भी लें प्राण विदाई, मेरे प्राण विदाई, अर्थी उठे तो सिर्फ तिरंगे को ओढ़ कर, अर्थी उठे तो सिर्फ तिरंगे को ओढ़ कर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, शानदार। और इसी क्रम में मैं आवाज देती हूँ हिमांशु बड़ौत को, वो आए और अपनी बात आप तक पहुँचाएं। मेरे देश का प्यारा ध्वज जब पवन वेग लहराता है, तीन रंग के संगम से मन फूला नहीं समाता है, मध्य सुशोभित नील वर्ण वो चक्र नजर जब आता है,
पिन बोले वो आजादी की हमको याद दिलाता है, केसरिया बलिदानों की गाथा जब स्वयं ही गाता है, श्वेत वर्ण वो जीवन में जब शांति छवि दर्शाता है, हरियाली ये मेरे देश की संग लिए हर्षाता है, खुश होता जब कोई भाव से वंदे मातरम गाता है, खुश होता जब कोई भाव से वंदे मातरम गाता है। और आइए बढ़ते हैं सुदर्शन से चेहरे के लिए जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार से विभा सिंह कहते हैं। विभा सिंह जी आए और अपनी कविताएं आप तक पहुँचाएं। मैं अपने देश के उस हीरो की बात करती हूँ जिस हीरो को पूरा विश्व देख रहा है। इस देश के मर्यादा स्वाभिमान मोदी जी, हर दिन बढ़ाया देश का अभिमान मोदी जी, इस देश के गौरव के रक्षार्थ के लिए सब त्याग करके आए हैं अरमान मोदी जी, सब त्याग करके आए हैं अरमान मोदी जी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। कुछ बात कह करके मैं आप तक पहुंचती हूं, सुनिएगा कि भारत माँ को अर्पित मन के प्रखर समर्पण जैसे हैं, शेखर और अशफाक भगत के जीवन दर्शन जैसे हैं, जब भी निकले रण में अरिका शीश काट कर ही लौटे, हम कान्हा के हाथ से छूटे चक्र सुदर्शन जैसे हैं, हम कान्हा के हाथ से छूटे चक्र सुदर्शन जैसे हैं, हम कान्हा के हाथ। बहुत बहुत आभार, आजादी के मतलब को आपने समझा, आजादी क्या है उसको जाना, हमने भी जाना, इस आजादी को बना के रखना है इन्हीं शब्दों के साथ और इसी उम्मीद के साथ, इसी संकल्प के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।